Today is my video about this stunt muffin glutathione 3D glow skin serum. मेरा ये video है केवल आपकी demand पर, क्योंकि आप सब लोगों की इतनी queries, इतने question stunt muffin glutathione 3D glow skin serum को लेकर मेरे पास आए कि उस पर एक video बनाना बहुत जरूरी था और मेरा ये video देगा आपके सभी सवालों के जवाब. ग्लूटाथायोन मेलानिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, क्योंकि जब आप सन की रेज में एक्सपोज होते हैं तो यूवी रेज की वजह से आपकी डीपर लेयर तक ये इफेक्ट ना जाए, इसीलिए आपकी स्किन की अपर लेयर मेलानिन प्रोड्यूस कर देती है. मेलानिन प्रोड्यूस होता है तो पिगमेंटेशन हो जाता है. तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो ये कि स्टड मफिन ग्लूटाथायोन 3D ग्लो स्किन सीरम को क्यों यूज करना चाहिए. वो इसलिए कि अगर आप ग्लूटाथायोन सीरम यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन को देता है ग्लो, एक इवन स्किन टोन देने का काम करता है, पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है. साथ ही साथ जब आप इसे यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन को एक वाइटनिंग टेक्सचर देने का काम करता है. लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि आप ये भी जानें कि आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये वाइटनिंग की ड्यूरेशन चेंज होती जाती है. जैसे कि अगर आपकी स्किन है लाइट मीडियम से ब्राउन तो आपको लगेंगे 1 से 3 महीने, अगर आपकी स्किन है डार्क ब्राउन तो आपको लगेंगे 3 से 6 महीने, और अगर आपकी स्किन है वेरी डार्क ब्राउन तो आपको लगेंगे 6 to 12 months, और अगर आपकी स्किन का टेक्सचर है ब्लैक तो आपको लगेंगे 18 months मिनिमम, और उनसे ज्यादा भी लग सकते हैं. ग्लूटाथायोन सीरम हम सभी यूज कर सकते हैं, चाहे हमारा कोई भी स्किन टाइप हो. अगर हमारी स्किन एक्ने प्रोन है तो भी हम यूज कर सकते हैं. अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है तो बस एक पैच टेस्ट जरूरी है. अपने ईयर के पीछे आप इसे थोड़ा सा यूज कीजिए, एक पैच टेस्ट लीजिए. अगर आपको 24 आवर तक कोई भी साइड इफेक्ट नजर नहीं आता तो आप इसे यूज कर सकते हैं. ग्लूटाथायोन हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, और चूंकि लीवर इटसेल्फ इसको प्रोड्यूस करता है तो हमारी बॉडी में इसको वेल टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए इसका साइड इफेक्ट जल्दी नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 1, स्टड मफिन ग्लूटाथायोन 3D ग्लो स्किन सीरम को यूज करने के बाद क्या सनस्क्रीन लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए. अगर आप इसे डे में यूज करते हैं तो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप इसे बोटॉक्स क्रीम के साथ यूज कर रहे हैं तो बोटॉक्स क्रीम को लगाइए डे में और ग्लूटाथायोन 3D स्किन सीरम को लगाइए नाइट. अब हम ये जानते हैं कि ग्लूटाथायोन को विटामिन सी के साथ यूज कर सकते हैं या नहीं. आपको जान के बहुत सरप्राइज होगा कि ग्लूटाथायोन और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि आपकी स्किन में एक तरफ जहां स्किन वाइटनिंग चल रही होगी दूसरी तरफ स्किन ब्राइटनिंग चल रही होगी, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और आपकी स्किन को ब्राइटन कर देता है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत ही सुपर. नेक्स्ट, स्टड मफिन ग्लूटाथायोन 3D ग्लो स्किन सीरम को नियासिनामाइड सीरम के साथ यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि नियासिनामाइड बेसिकली हमारी स्किन के टेक्सचर की हेल्थ पे काम करता है. तो जहाँ एक तरफ स्किन टेक्सचर इम्प्रूव होगा वहीं एक तरफ स्किन वाइटनिंग होगी और साथ में पिगमेंटेशन भी जाएगा. देन नेक्स्ट है ट्रानेक्सेमिक एसिड विद दिस ग्लूटाथायोन सीरम. यस, आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रानेक्सेमिक एसिड भी पिगमेंटेशन पे काम करता है, डार्क स्पॉट और मिलेज्मा पे काम करता है. साथ ही साथ जब आप इसे ग्लूटाथायोन के साथ यूज करेंगे तो स्किन वाइटनिंग भी होगी और ग्लूटाथायोन खुद पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है, तो दोनों मिलके जब काम करेंगे तो आपकी स्किन का पिगमेंटेशन होगा जल्दी ठीक. नेक्स्ट क्वेरी, दिस स्टड मफिन ग्लूटाथायोन सीरम शुड बी यूज विद EHA BHA और नॉट? नो, यहाँ पे है अ बिग नो, बिकॉज जब आप इसे EHA BHA के साथ यूज करेंगे तो ये उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि इसका pH लो होता है. नेक्स्ट, दिस स्टड मफिन ग्लूटाथायोन 3D ग्लो स्किन सीरम शुड बी यूज विद हाइलुरोनिक एसिड और नॉट? हाइलुरोनिक एसिड अगर आप नहीं भी यूज करते हैं तो आप यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को देता है हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मिलता है तो आपकी स्किन में जो फाइन लाइंस और रिंकल्स एजिंग से पहले ही आने लगते हैं
वो नहीं आएंगे। अब जब आपकी स्किन है हाइड्रेटेड तो आप उस पर कोई भी स्किन सीरम यूज कीजिए, चाहे ग्लूटाथायोन स्किन सीरम यूज कीजिए, उसका इफेक्ट जल्दी होगा और बेहतर होगा। नेक्स्ट, अल्फा आर्बुटिन विद ग्लूटाथायोन सीरम। हमारी बॉडी की हर एक प्रोटीन में है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज अप होगा तो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। टायरोसिनेज को ब्लॉक करता है अल्फा आर्बुटिन। अल्फा आर्बुटिन को जब आप यूज करते हैं स्टड मफिन के ग्लूटाथायोन सीरम के साथ, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और इससे भी आपको अच्छे इफेक्ट शो होंगे। सो हाउ टू अप्लाई दिस ग्लूटाथायोन सीरम? अप्लाई अ कॉइन साइज अमाउंट ऑन द फेस एंड नेक। Use short but firm strokes. Do not stretch, pull or rub the skin. So friends, if you want to know more about this Stud Muffin Glutathione 3D Glow Skin Serum as well as Botox Cream, you can watch my videos. Link is in the description box. Friends, I am using this Glutathione Serum and it is about to finish now, and there is some leftover part. These are white beads which is made up of vitamin E. ये विटामिन ई की बीट्स हैं जो कि ग्लूटाथायोन सीरम के साथ मिक्स होके बाहर निकलती हैं। लेकिन ये पंप इस विटामिन ई की बीट्स को ग्लूटाथायोन सीरम के साथ पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता, तो जब आप इसे यूज करोगे तो ये लेफ्ट ओवर पार्ट इसमें बच जाएगा। सो दिस इज यू कैन से समवॉट अ ड्रॉबैक ऑफ दिस स्टड मफिन ग्लूटाथायोन 3D ग्लो स्किन सीरम। So, अगर आप बोटॉक्स क्रीम भी यूज कर रहे हैं और आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि ये एक नेचुरल बोटॉक्स है। बोटॉक्स इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। जब आप बोटॉक्स इंजेक्शन यूज करते हैं तो आपके फेशियल मूवमेंट्स की वजह से जो आपकी स्किन में लाइंस आ जाती हैं, उसको बोटॉक्स इंजेक्शन पैरालाइज करते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता और फाइन लाइंस और रिंकल्स नहीं आते। लेकिन ये है एक नेचुरल बोटॉक्स जिसको आपको डे टाइम में यूज करना है, और अगर आप इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को वॉच कीजिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टड मफिन बोटॉक्स क्रीम एंड स्टड मफिन ग्लूटाथायोन 3D ग्लो स्किन सीरम। इफ यू लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्किन। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।